Good morning to you all. Now let's read out today's morning hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar. Then let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it. Satnam Shri Waheguru Sahib Ji Rakt Nasri Bani Pagat Kabir Ji Ki Jo Jan Pao Pagat Kach Jane Tako Acharaj Kaho Jyo Jal Jal Meh Pais Nanik Se क्यों टूर मिलियो जुलाहो, विच मीन्स इस विच कोई अनोखी गल नहीं है। जो भी मनुख प्रभु प्रेम ते प्रभु भक्ति नाल सांझ बनाउंदा है उस दा प्रभु नाल इकमिक हो जाना कोई वड्डी गल नहीं है। जिवें पानी पानी विच मिल के मुड़ वखरा नहीं हो सकता, तिवें कबीर मीन्स जुलाह भी आपा पाव मिटा के परमात्मा विच मिल गया है। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. आप देखते हो बचपन में जब हमें बोला जाता था पाठ करो पाठ करो, तो दिमाग में क्या चल रहा होता था? रैंडम थॉट्स। अभी टीवी पे क्या आना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कल किस फ्रेंड से क्या बोलना है। इसी तरह से स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर्स हो रही होती थी तो हमारा दिमाग कहाँ होता था? आज किसका बर्थडे स्टेज पे सेलिब्रेट होने वाला है। या फिर जब स्कूल में मॉरल साइंसेस या डिविनिटी की क्लास होती थी तो उसको एक एक्स्ट्रा पीरियड समझा जाता था जिसमें होमवर्क कंप्लीट होता था। तो ऐसा क्यों होता था? बिकॉज हमें बचपन से ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज एक्चुअली गुरबानी। गुरबानी इज आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट, स्पीकिंग राइट एंड एक्टिंग राइट। तो फिर अगर गुरबानी इज एन आर्ट ऑफ लीडिंग योर लाइफ इन अ राइट डायरेक्शन, तो ये तो बचपन से शुरू होना चाहिए ना। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अरे अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, अब प्रभु भक्ति की तरफ अपना दिमाग लगाओ। देयर वाज दिस गाय, वो अपने बॉस के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा अब एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो उसका बॉस कहता है अरे अभी तो तुम कितना 40-42 साल की हो, अरे ये काम तो कम 60 साल के बाद शुरू होता है। तो यहाँ पे कितना बड़ा पैराडॉक्स है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें बचपन से ही गुरबानी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको प्रैक्टिस करना सिखाया जाए। तो परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना जिसको हम कहते हैं, वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी फील दैट ब्लिस, व्हेन वी फील दैट पावर इनसाइड। और वो कब पॉसिबल है? व्हेन वी आर आवर वर्ड, जब हमने अपने आप को जो भी वर्ड दिया है उसको कंप्लीट करें। हमारे जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैंग करते रहते हैं दिमाग में, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश योर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं। आज आप नोट डाउन कीजिए कि आपके क्या क्या अनफिनिश्ड काम हैं। कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, या हाउसवाइफ्स के लिए कोई किचन का काम है, या कोई घर की ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑफिस में काम करते हो, स्टूडेंट हो, एकेडमिक्स में आपने कुछ गोल्स बनाए हुए अपनी स्टडीज के लिए, तो इन सबको नोट डाउन कीजिए कि जिनके लिए आपने कहा था कि ये काम मैं अब शुरू कर रहा हूँ, इस डेट तक मुझे ख़त्म करना है, और वो ख़त्म कभी भी नहीं हुआ। तो उसके लिए एक गोल बनाइए और उस पर एक्शन लीजिए। सो टुडेज प्रैक्टिस इज Finish your unfinished projects. Take care and have a great day. Why?